भाई एक शाम को बिट्टू आके बैठा हुआ था, उससे भूख लगी तो उसने मम्मी से खाना मांगा। तो देखिए आगे क्या हुआ। मम्मी भूख लगी है, खाना दो। इस पे उनकी मम्मी उनके लिए गर्मा गर्म खिचड़ी लाई। ये लो बेटा खा लो। बिट्टू घी का बड़ा शौकीन था। मम्मी घी भी तो दो, बिना घी के कैसे खाऊं मैं। उस पे उनकी मम्मी खाना लेके आई। इस पे साथ में पानी भी लो। ये देखो ये है घी, ये देखो ये घी है, इतना सा घी, ये घी रखा हुआ है। एक हफ्ते बाद बिट्टू फिर खाना खा रहा था तो खाना खाते हुए उसको फिर घी की तमन्ना हुई। मम्मी घी दो। इसमें मम्मी फिर उनका घी लाई। ये लो बेटा, और ये घी 15 दिन तक आपको चलाना है। थोड़ा थोड़ा डाल के नहीं जाइए। इसमें उनकी मम्मी गई और उस घी के डिब्बे को गर्म करके लाई। देखिए ये देखिए, गरम करने से वही घी जो ख़त्म हो गया था वो और चल रहा है और बिट्टू अपना तसल्ली से भोजन कर रहे हैं। भाइयों 15 दिन के बाद बिट्टू फिर वही खिचड़ी खाता हुआ। बिट्टू को खिचड़ी बहुत पसंद थी। बिट्टू ने फिर अपनी मम्मी से खिचड़ी की डिमांड करी। मम्मी खिचड़ी के साथ घी तो दो, आपको जब पता है मेरे को घी इतना पसंद है। इसकी मम्मी फिर घी लेके आई। ये लो बेटा इतना ही घी है और ये आपको 15 दिन तक चलाना है। फिर बिट्टू ने उसमें ऐसे बूंद बूंद करके घी डाला और घी डाल के फिर बिट्टू ने अपनी खिचड़ी को एंजॉय के साथ खाया। ये जानते हैं आप, ये है इनकी कंजूस मम्मी जो घी के डिब्बे को गर्म करके बार बार उनको वही डिब्बा दे रही हैं। और अब इनका कहना है कि इस डिब्बे को पास में रखो और इस डिब्बे में टच टच करके खाओ तो ये घी आपका महीनों चलेगा।